हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमने जो लास्ट टाइम शुरू किया था, हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन शुरू किया था और हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अगर किसी सॉलिड में डेफिनेट पैटर्न होता है, एक जैसा सीक्वेंस रिपीट होता है, तो हम उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, और अगर कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम अमॉर्फस बोलते हैं। मैं दोबारा से एक बार क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हमको समझ में आए। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे, हमने शुरुआत किया ग्रेफाइट से, ठीक है। तो ग्रेफाइट में हमको पता है एक डेफिनेट पैटर्न होता है, और वो डेफिनेट पैटर्न शायद आपको ग्रेफाइट का जब स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो हमको पता है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है, यही रेगुलर पैटर्न है, यही रेगुलर पैटर्न बार बार रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है, ध्यान से देखिए, हमें हेक्सागोनल पैटर्न ही, रेगुलर पैटर्न ही बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखेगा कोशिश करना। मेरे पास है हेक्सागोनल पैटर्न, अब मैं इसको रिपीट करके कैसा बनेगा वो यहां बना रहा हूं, देखिएगा। एक हेक्सागोनल ली, इसके साथ एक और जोड़ा, यहां पर भी एक और जोड़ा, यहां एक और, यहां पर भी, सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर भी। आप देख सकते हैं एक डेफिनेट पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न ही बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल। तो यहाँ से कुछ वर्ड हैं जो आपको आने चाहिए, ध्यान से सुना। जो डेफिनेट पैटर्न है, जो बार बार रिपीट होता है, इसमें आप देख सकते हैं हेक्सागोनल है। तो जो डेफिनेट पैटर्न है, जो रिपीट होता है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। क्या है, ध्यान से सुनेगा एक बार। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल हैं, जो भी एटम हैं, जो भी आयंस हैं, उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जो बार बार रिपीट होता है, एक सॉलिड के अंदर वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो उसी पैटर्न को, जो बार बार रिपीट हो रहा है, हम उस पैटर्न को, इस केस में हेक्सागोनल रिपीट होता है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। और रिपीटेशन होने के बाद जो ये पूरा बना, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। तो एक बार मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकलों का, सारे पार्टिकलों का जो रेगुलर अरेंजमेंट है, थ्री डायमेंशनल सब पार्टिकलों का मिला के जो अरेंजमेंट बना, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और उसमें जो चीज रिपीट हो रहा है, बार बार रेगुलरिटी जो देखने को मिल रहा है, वो आपका है यूनिट सेल। बेसिक डिफरेंस वन में आ गया क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल में। होता ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर पैटर्न होता है, तो रेगुलर पैटर्न जब बना दिया, तो जो चीज बनी उसका नाम है क्रिस्टल लैटिस। और अगर कोई रेगुलर पैटर्न है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, उससे शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब दूसरा यूनिट सेल दोबारा से एक बार दोबारा रिपीट कराता हूँ, क्या है, देखिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर पैटर्न होता है, ग्रेफाइट में वो रेगुलर पैटर्न हेक्सागोनल होता है। अब मैं दूसरा केस ले आता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल ले आता हूँ। मैं बोला इस केस में हम जो डेफिनेट पैटर्न है, जिसको रिपीट करेंगे, मान लेते हैं वो क्यूबिक है। इस केस में जो डेफिनेट पैटर्न बार बार रिपीट होगा, वो क्यूब होगा, ठीक है। ये चीज रिपीट होने वाला है, ये है रिपीटिंग यूनिट, और रिपीटिंग यूनिट को ही हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो इस केस में यूनिट सेल जो है, शेप में देखने को कैसा दिख रहा है, देखने में दिख रहा है क्यूबिक। अरेंजमेंट आपका जो पैटर्न है, जो रेगुलर पैटर्न है, उसमें जो चीज बार बार रिपीट होगा, वो होगा क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज का यूनिट सेल है क्यूबिक। अब मैं बहुत सारे क्यूब को आपस में जोड़ता हूं, देखिएगा, हाँ, बहुत सारे क्यूब को आपस में अटैच कर देता हूं, देखिएगा। पहला क्यूब ये देखिएगा, फर्स्ट यूनिट सेल, ये फर्स्ट यूनिट सेल है, अभी एक ही यूनिट सेल बनाया है, अभी ये क्रिस्टल लैटिस नहीं बनाया, ये सिर्फ यूनिट सेल है, सिंगल यूनिट सेल। अब इसको रिपीट करते हैं, इसके जैसे बहुत सारे बनाते हैं। अभी आप डायग्राम देख सकते हैं, अभी तक मैंने दो यूनिट सेल बनाए हैं, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ दो यूनिट सेल, एक और एक ही, दो।
अभी और बनाते हैं, इसके आगे एक और यूनिट सेल बनाते हैं। तो इस केस में अभी तक मैंने कितने यूनिट सेल बना दिए, तीन, एक दो और तीन। अभी बहुत सारे और बन सकते हैं, एक इसके पीछे भी हो सकता है, ठीक है। कितने हो गए हमारे, एक दो तीन, अभी एक और बनाया तो कितने हो गए, चार। एक इसके बगल में भी हो सकता है, कितने हो जाएंगे फिर ये, एक दो तीन चार पाँच। अब एक इसके बगल में भी हो सकता है, तो अब ये हमारे कितने हो गए, एक दो तीन, तीन आगे हैं उन्हीं के पीछे, एक दो तीन, तीन पीछे भी हैं। तो टोटल कितने यूनिट सेल हो गए, तीन, तीन छः। अभी जरूरी नहीं है, इसके ऊपर भी बना सकते हैं, उसके आगे भी बना सकते हैं। ये पूरा बना, ये पूरा जो है, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना, ये है क्रिस्टल लैटिस। मुझे लगता है कि आपको दो डेफिनेशन क्लियर होंगे होंगे, यूनिट सेल किसको बोलते हैं और क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर पैटर्न होता है, तो जो ये रेगुलर पैटर्न होता है, उस रेगुलर पैटर्न में जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस रिपीटिंग चीज को आप बोलते हैं यूनिट सेल। और जो रिपीट होने के बाद पूरा सॉलिड बना, जहां पार्टिकलों का डेफिनेट अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ गया। तो क्रिस्टल लैटिस एक टाइप का बहुत सारे यूनिट सेल का जो कलेक्शन है वो क्रिस्टल लैटिस है, और क्रिस्टल लैटिस का जो रिपीट होने वाला यूनिट है वो आपका यूनिट सेल है, ठीक है। पहले ये दो डेफिनेशन आ गए, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। अब दो चार डेफिनेशन और हैं, वो भी डिस्कस करते हैं, देखिए। चलिए फिर दोबारा शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं बोला मेरे पास एक सॉलिड है जिसका नाम है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट हमने बहुत बोल दिया है, ध्यान से देखिएगा, आप आना चाहिए। हाँ, ग्रेफाइट में आपको पता है बार बार जो रिपीटिंग यूनिट है, जो बार बार रिपीट होने वाला है, तो ग्रेफाइट के केस में जो रिपीटिंग यूनिट है वो आपका क्या है, आपको बताया ना सबको। ग्रेफाइट में रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, हेक्सागोनल। रिपीटिंग यूनिट क्या है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये आपका यूनिट सेल है, जो बार बार रिपीट होता है वो यूनिट सेल है। और जो ये पूरे बहुत सारे यूनिट सेल को बनाने के बाद, मिलाने के बाद जो बना है, इसका नाम है क्रिस्टल लैटिस। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस क्या है, बहुत सारे यूनिट सेल का जो कलेक्शन है वो आपका क्रिस्टल लैटिस है, और उस चीज़ में जो चीज़ रिपीट हो रही है, उस रिपीटिंग यूनिट को जो बार बार एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहा है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में भी दो डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। इस यूनिट सेल में कौन कौन से दो डेफिनेशन है देखना। अगर मैं कहूँ इधर पे, इस लोकेशन पे क्या होगा, इस लोकेशन में क्या होगा, इस लोकेशन में, इन लोकेशंस में, जो मैं बना रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, इन लोकेशंस में आप सबको पता होगा शायद, यहाँ पर होगा कार्बन एटम। ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट में क्या होगा, कार्बन एटम ही होगा। ग्रेफाइट के केस में यहाँ सोडियम, एल्यूमिनियम ऐसा कुछ नहीं आने वाला। हाँ, अगर सोडियम का पीस होता तो उसमें सोडियम होता, लेकिन ये तो हमारे पास एटम है किसका, ग्रेफाइट है, एलोट्रॉफ है कार्बन का, तो यहाँ पर हर जगह पे कार्बन ही होगा, ठीक हो गया। ग्रेफाइट में अगर आप एक यूनिट सेल देखोगे तो यूनिट सेल है हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल पे यहाँ पर आपके कार्बन के एटम है। तो जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन पे ऑक्यूपाइड बाई, ये वाली लोकेशन जो है ऑक्यूपाइड बाई कार्बन एटम, सही है। ये वाले लोकेशंस पे, ये इन लोकेशंस पे कार्बन एटम है। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जहां पर आपके एटम मॉलिक्यूल, किसी केस में एटम होगा, किसी केस में मॉलिक्यूल होगा, टाइप के सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर आपके किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टल लैटिस में जो पोजीशन एटमों ने ऑक्यूपाई करी है, ऑक्यूपाइड लोकेशंस, तो उनके लिए हम बोलते हैं लैटिस साइट। लैटिस साइट, लैटिस साइट क्या है अगर किसी ने पूछा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो डेफिनेट पैटर्न है, उसमें जिन पोजीशंस पे एटम है, जहां जहां एटम ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उस ऑक्यूपाइड स्पेस के लिए वर्ड है क्रिस्टल लैटिस का, जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उसमें नाम है लैटिस साइट। समझ में आ गया। लैटिस साइट किसको बोलते हैं, किसी भी यूनिट सेल में जहां पर एटम प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड स्पेस के लिए नाम है क्रिस्टल, सॉरी लैटिस साइट। अब आगे सुनेगा, जो ये वाला लोकेशन है, ये वाला लोकेशन है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, तो ये आपका एम्प्टी है। तो जो ये एम्प्टी लोकेशन होती है, इसको वॉइड्स बोलते हैं,
और इसी को आप एक और वर्ड से भी जानते हैं, इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल साइट। तो आपको समझना होगा कि सर लेटिस में दो और वर्ड आ गए। पहला है आपका लैटिसाइड, तो लैटिसाइड क्या है, जहां पर एटम प्रेजेंट हैं उसको बोलेंगे लैटिसाइड, और जो खाली जगह है, ये खाली जगहें जो हैं, इन खाली जगहों को हम बोलेंगे इंटरस्टीशियल साइड से वर्ड्स। समझ में आ गया? मैं एक बार एक आसान सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। अब देखना, मैंने बोला कि दोबारा से 9th 10th वाले में आ जाते हैं। एक सॉलिड में आपका जो भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकलों का क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, या आपका क्या है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जी आपके एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो ये ऑक्यूपाइड लोकेशन है, इन जगहों पे पहले से आपका एटम मॉलिक्यूल जो भी है वो प्रेजेंट है। तो इस चीज को बोलेंगे लैटिस साइट, इसको बोलेंगे लैटिस साइट। और जो ये वाला स्पेस है, ये हर जगह है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला स्पेस आपका एम्प्टी है, और एम्प्टी स्पेस को आप बोलते हैं वॉइड, वॉइड, या आप बोलते हैं उसी को भी बताया था वॉइड या इंटरस्टीशियल साइट। तो आपको ये दो वर्ड भी आने लगे होंगे। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जहां पर एटम प्रेजेंट हैं वो आपका है लैटिसाइट, और जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली जगह है, छूटी हुई जगह है, उसको बोलते हैं आप इंटरस्टीशियल साइट्स या वॉइड्स। ठीक हो गया? अब ध्यान से सुनेगा, मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी लैटिस में आप देखोगे जो स्पेस ऑक्यूपाइड है तो उसको बोलते हैं लैटिसाइट, और जो खाली स्पेस है उसको बोलते हैं आपका इंटरस्टीशियल साइट। ठीक है, आगे देखना, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर पैटर्न होगा, वो रेगुलर पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होगा। अब मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया मेरे पास रेगुलर पैटर्न ये है, रेगुलर पैटर्न ये है, ये चीज बार बार रिपीट होगा। तो ये रेगुलर पैटर्न है, इसकी जो सिमेट्री है, जो इसकी सिमेट्री है, जो इसका स्ट्रक्चर है, शेप है, तो वो सिमेट्री इसकी आप देख सकते हैं इस केस में, ये है क्यूबिक, इसकी सिमेट्री क्या है, क्यूबिक। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, अगर मेरे पास ग्रेफाइट होता तो उस केस में इसकी सिमेट्री कैसी है, हेक्सागोनल। तो आप ध्यान से सुनिएगा, फिर यहाँ से एक वर्ड और आता है, ध्यान से देखता हूँ। अगर आप देखोगे तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई डेफिनेट पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होगा, एक जैसी कोई चीज़ रिपीट हो रहा होगा। अगर क्यूबिक लैटिस है तो उसमें क्यूबिक यूनिट सेल ही रिपीट होंगे, अगर हेक्सागोनल लैटिस है तो उसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल ही रिपीट होंगे। कहने का मतलब, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसका लैटिस ऐसा बनेगा कि एक क्यूब है तो इस क्यूब के अगले आगे फिर से क्या आएगा, एक और क्यूब आएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर से इसके आगे फिर से एक और क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो क्यूबिक यूनिट सेल है तो सारे के सारे जो होंगे वो क्यूब ही होंगे। अगर आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो उसमें जो सारे के सारे एलिमेंट हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका अरेंजमेंट हमेशा हमेशा क्या होगा, हेक्सागोनल होगा। आपको बार बार हेक्सागोनल पैटर्न ही रिपीट करना होगा। तो इसके हिसाब से जो हमारे टोटल आज तक ये शेप देखने को मिले हैं, सिमेट्री देखने को मिले हैं, आज तक टोटल 7 टाइप के सिमेट्री देखने को मिले हैं सॉलिड में। दो तो मैं तुम्हारे सामने बता चुका हूँ, एक है क्यूबिक और दूसरा है हेक्सागोनल। ठीक है, अब आगे सुनिएगा ध्यान से देखना, क्यूबिक और हेक्सागोनल, इसके बाद कौन से आते हैं, एक होता है आपका टेट्रागोनल। ठीक हो गया, तीन हो गया ना, क्यूबिक, हेक्सागोनल, ट्रेट्रागोनल, एक आता ऑर्थोरोम्बिक, चार हो गए, रोम्बोहाइड्रल, पांच हो गए, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, टोटल 7 टाइप के यूनिट सेल हैं। अगर आप इनका शेप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये याद रखना, यूनिट सेल में अगर आप देखोगे तो यूनिट सेल बार बार एक सीक्वेंस को, एक सिमेट्री को रिपीट करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस हैं। ठीक है, भले ये क्यूबिक से बनाया तो इसको क्यूबिक लैटिस बोलेंगे, ये हेक्सागोनल से बनाया तो इसको हेक्सागोनल लैटिस बोलेंगे, बट इनका सिमेट्री पता है, इसका सिमेट्री है क्यूबिक और इसका सिमेट्री है हेक्सागोनल। ठीक
ठीक है, सिमेट्री मतलब समझ में आ रहा है ना, कौन से टाइप के बॉक्स मैंने आपस में अरेंज किए। मैं ऐसे ही समझता हूँ इसको कि आप एक डब्बा, एक बॉक्स, फिर एक और बॉक्स, फिर एक और बॉक्स, तो जो बॉक्स है वो शेप में कैसा है उसको आप उसके सिमेट्री बोल सकते हैं, वो शेप में क्यूबिक है, वो शेप में हेक्सागोनल है। समझ में आया क्या बोला? आप एक गेम खेल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि आपने बोला मैं एक के आगे एक, एक के बाद एक अरेंज करूँगा, बहुत सारे ऊपर भी रखूँगा, उनके ऐसे भी रखूँगा, हर डायरेक्शन में रखूँगा। तो आपने क्या किया, जो एक बॉक्स का जो शेप है, इस केस में वो बॉक्स का शेप क्यूबिक है, इस केस में वो हेक्सागोनल है, तो ये जो आपका सिमेट्री है वो देखने में कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसको देखने के लिए जो आपके पास ये जो देखने में होता है उसको आप सिमेट्री के हिसाब से लैटिस को 7 टाइप पर डिवाइड किया, क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, उसके बाद आपका आया ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, टोटल 7 टाइप के आपके लैटिस सिस्टम्स होते हैं, 7 टाइप्स के, आप मान लीजिए बॉक्सों के 7 टाइप के शेप होते हैं। अब हो ये सकता है कि वो बॉक्स में भी एटम कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एक बार दोबारा समझना, ध्यान से सुनो, देखिएगा। अब यहाँ देखना, मेरे पास एक लैटिस है, आप इस लैटिस को समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक लैटिस है, इसका ये जो पैटर्न है जो रिपीट होने वाला है वो यूनिट सेल आपका क्यूबिक है, तो जो ये लैटिस बनेगा उसके सिमेट्री क्यूबिक होगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक हो गया। अब एक क्यूब को पहचानते कैसे हैं, मेरे ख्याल से जिनने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता होगा, क्यूब की दो करेक्टरिस्टिक होती हैं, या हर चीज की दो करेक्टरिस्टिक होती हैं, एक होती है एज लेंथ, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये आपका दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग की डिस्टेंस, और ये तीसरी एक्सिस होगी, ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एज लेंथ है ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीन होते हैं, तो एज लेंथ को हम यहां लिखते हैं ए बी और सी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की एज लेंथ को ए लिखेंगे, y एक्सिस की एज लेंथ को b लिखेंगे, और z एक्सिस की एज लेंथ को हम c लिखेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम a बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम b बोलेंगे, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम c बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी यूनिट सेल की पहली करेक्टरिस्टिक है उसकी एज लेंथ। अगर ये क्यूब है तो शायद इतना मैथमेटिक्स सबको आता है कि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक होगा, और साथ में इनके बीच में एंगल भी होगा, एक्स और वाई के बीच में कितने का एंगल होगा 90, वाई और जेड के बीच में भी कितना होगा 90, एक्स और जेड के बीच में भी कितना होगा 90, तो उसको बोलते हैं एंगल्स, ठीक है, और एंगल्स को बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक यूनिट सेल में एज लेंथ होंगी ए बी सी, और एक यूनिट सेल में एंगल होंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अगर इस केस में देखते हो क्यूबिक में तो सारी साइड इक्वल होती हैं, और आपको पता भी होगा कि क्यूब में एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अगर इसी की जगह मेरा ये पैटर्न ऐसा होता तो आपको पता है ये हेक्सागोनल है, ठीक है। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल पूरा कैसे बनता है, मैं एक बार वो भी बना लेता हूँ, पूरा हेक्सागोनल यूनिट सेल डेफिनेट हेक्सागोनल यूनिट सेल जो एक्चुअल में उसका शेप है वो डिफाइन करते हैं, 3 डायमेंशन, ये तो 2 डायमेंशन है, इसमें लेंथ और ब्रेथ थी, हाइट नहीं है ना, हाइट भी बना देते हैं, ठीक है। ये आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में आप देख सकते हो सिमेट्री हेक्सागोनल है, इसमें भी एज लेंथ होंगे, एज लेंथ क्या होंगे ए बी और सी, हाँ इस केस में इक्वल नहीं होंगे, और एंगल इस केस में आप देख सकते हो ये वाला एंगल जो होगा ये कितने का होगा 120, हाँ लेकिन परपेंडिकुलर वाला एंगल कितने का होगा 90 का होगा। तो किसी भी यूनिट सेल का एक करेक्टरिस्टिक है कि उसकी कुछ ना कुछ एज लेंथ होंगी और कुछ ना कुछ उसके एंगल्स होंगे, ठीक है। यूनिट सेल की पहचान यही है, उसकी सिमेट्री की पहचान यही है कि भैया उसका लेंथ कितनी है
और उनके बीच में एंगल कितना है, इस एक्स एक्सिस वाले प्लेन के बीच में, वाई एक्सिस वाले प्लेन के बीच में और जेड एक्सिस वाले प्लेन के बीच में एंगल कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिएगा, मैंने बोला मेरे पास एक यूनिट सेल है और वो यूनिट सेल क्यूबिक है। दोबारा से देख लेना, एक यूनिट सेल शेप में वो क्यूबिक है, ठीक है। तो अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो आपको साइन, अब तो ये याद हो गया होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितने का एंगल होंगे, सारे 90 डिग्री के। क्यूबिक यूनिट सेल में सारी साइडें बराबर होती हैं और आपका एंगल भी सब एक जैसे होते हैं 90 डिग्री के। ठीक हो गया। अब शेप तो क्यूबिक यूनिट सेल है, इनमें कहीं ना कहीं एटम होंगे जो पोजिशन ऑक्यूपाइड होगी, ऑक्यूपाइड पोजीशन, और ऑक्यूपाइड पोजीशन को आप क्या बोलते हैं, लैटिस साइट। समझ में आ गया, बोला एक यूनिट सेल है उसका कुछ ना कुछ एक डेफिनेट शेप होता होगा, उस डेफिनेट शेप में कहीं ना कहीं तो एटम होते होंगे, इस यूनिट सेल में कहीं ना कहीं तो एटम होते होंगे, तो जो एटम ऑक्यूपाइड स्पेस होगा उसको बोलेंगे लैटिस साइट, और जो खाली स्पेस बचेगी उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड्स। ठीक है, तो ये ऑक्यूपाइड स्पेस या लैटिस साइट के हिसाब से यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिमेटिव यूनिट सेल, पहला यूनिट सेल जो आपका यूज होता है प्रिमेटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब प्रिमेटिव यूनिट सेल क्या होते हैं कि अगर आपका कोई यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल हैं, ये देखना मैंने यहां पर क्यूब बनाया, इस क्यूबिक यूनिट सेल में ध्यान से देखिएगा, ये यूनिट सेल मेरा क्यूबिक होना चाहिए, तो क्यूबिक में क्या होगा, सारे एंगल 90 के, सारे लेंथ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सारे लेंथ बराबर होंगे, ये क्यूबिक है। अगर इसमें यहां पर एटम है, यहां पर एटम है, ये अगर किसी यूनिट सेल में, किसी लैटिस में, यूनिट सेल में एटम सिर्फ और सिर्फ ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स पे होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। तो आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा, अगर आप कभी सिंपल यूनिट सेल या प्रिमेटिव यूनिट सेल देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर अवेलेबल हैं और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर यही चीज आपका, अभी तो मैंने कौन सा पैटर्न बनाया, क्यूबिक, ऐसा ही पैटर्न आप ऑर्थोरम्बिक में भी देख सकते हैं, ऐसा ही आप जो अदर मोनो क्लिनिक टाइट क्लिनिक हैं आप उनमें भी देख सकते हैं, अंतर आएगा एज लेंथ ए बी सी या एंगल अल्फा बीटा गामा में। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई भी यूनिट सेल में शेप कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं तो ऐसे केस में आप उसको बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल। एक और कैटेगरी आती है, वो होती है नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल। अब ये नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, प्रिमेटिव समझ में आ गया, अगर किसी केस में यूनिट सेल के पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर अवेलेबल हैं तो ऐसे केस में हम उसको प्रिमेटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। अब नॉन प्रिमेटिव क्या होते हैं उसको दोबारा इसी क्यूबिक से समझते हैं, यहां से देखना, इसी क्यूबिक यूनिट सेल में अगर पार्टिकल कॉर्नर्स पे हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं तो ये हो गया प्रिमेटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा है पार्टिकल कॉर्नर के साथ कहीं और भी अवेलेबल है, कॉर्नर प्लस, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस एनी अदर लोकेशन, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, अगर यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं तो सिर्फ कॉर्नर्स वाले केस में हम उसको बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। लेकिन अगर पार्टिकल कॉर्नर के साथ कहीं और भी अवेलेबल है, किसी भी लोकेशन में हो, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल। अब ध्यान से देखना, मैं नॉन प्रिमेटिव के भी एग्जांपल बनाता हूँ, प्रिमेटिव के भी बनाता हूँ, ध्यान से देखना, समझ में आ जाए। ठीक है, प्रिमेटिव यूनिट सेल में आपका पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होगा, जैसे अगर मैंने बोला मेरा यूनिट सेल है क्यूबिक, तो क्यूबिक यूनिट सेल के केस में आपको बता रखा है, अभी बताया ना,
पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, प्रिमेटिव है क्यूबिक का ही। क्यूबिक की करेक्टरिस्टिक एज लेंथ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना होता है 90। जरूरी कि क्यूबिक हो, और भी होते हैं जैसे आपका ऑर्थोरॉम्बिक। अब ऑर्थोरॉम्बिक क्या होते हैं, ऑर्थोरॉम्बिक में यूनिट सेल थोड़ा सा एज लेंथ अलग अलग हो जाते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल अभी भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू एंगल अभी भी 90 होते हैं, बट साइड इक्वल हो जाती है, एक्स की अलग डिस्टेंस, वाई की अलग डिस्टेंस और जेड की अलग डिस्टेंस, डिस्टेंस अलग अलग होती है, ठीक है। अगर इस यूनिट सेल में भी पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हुए, तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होने के केस में हम उसको बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल। तो कोई भी यूनिट सेल हो, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एटम या मॉलिक्यूल जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, तो वो आपका है प्रिमेटिव यूनिट सेल। दोनों के समझ में आ गए होंगे, ऑर्थोरॉम्बिक में भले ही साइड अनइक्वल होती हैं बट वो भी क्यूब जैसा ही दिखता है देखने में, ठीक है, लेकिन साइडों की लेंथ अलग अलग होगी, सारे साइडों की लेंथ अलग अलग होगी। ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन जो आपस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी जैसा क्यूब में होता है यहाँ नहीं होगा, यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ठीक हो गया। चलिए आप शुरू करते हैं नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल। तो प्रिमेटिव यूनिट सेल समझ में आ गया होगा, प्रिमेटिव यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे, सिमेट्री कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो क्यूबिक हो या ऑर्थोरॉम्बिक हो या हेक्सागोनल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, तो ऐसे वाले को बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल। अब इसकी जगह दूसरा कैटेगरी है नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ एनी अदर प्लेस कहीं और भी होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ध्यान सुनना, पहले क्यूबिक में ही आ जाता हूं, मान लो ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, सिमेट्री में देखने में क्यूब जैसा है, ठीक है, जो मैंने तुम्हारे सामने यूनिट सेल बनाया है ये क्यूब है। अगर इस क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल एटम जिससे भी ये बना है, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, तो सिर्फ कॉर्नर के केस में इसको हम बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। लेकिन नॉन प्रिमेटिव में तो कॉर्नर के साथ साथ कहीं और किसी और लोकेशन पे भी होगा। अब मैंने बोला एक काम करते हैं, जो क्यूब है, बॉक्स है क्यूब का, एक क्यूब का बॉक्स अपने आप में इमेजिन करो, उस क्यूब के बॉक्स के अंदर, वॉल्स पे नहीं अंदर, उस क्यूब के बॉक्स के अंदर भी एक पार्टिकल है बॉडी के अंदर, तो इसलिए ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में ऐसा होता है कि जो भी यूनिट सेल है, सिमेट्री कुछ भी हो, क्यूबिक हो, ऑर्थोरॉम्बिक हो, रोम्बोहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल हो, हेक्सागोनल हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसका कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के इनसाइड अंदर भी हो, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। अब बॉडी का सेंटर कैसे ढूंढते हैं, तो बॉडी के सेंटर को ढूंढने का तरीका यह है कि आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जहां पर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो बॉडी का सेंटर होगा, ठीक हो गया। इसी में एक और आता है, वो आता है फेस सेंटर। आप देखना फेस सेंटर क्या होते हैं, ध्यान से देख, वैसे नाम से भी आइडिया लग रहा होगा फेस सेंटर क्या होते हैं। ये मेरा यूनिट सेल है, अभी वापिस इसको मान लेते क्यूबिक है, अगर इस यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे यूनिट सेल है, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं प्रिमेटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। लेकिन मैं बोला कि कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी है। अब याद रखना, हर एक सिमेट्री के नंबर ऑफ फेसेस अलग अलग होते हैं। अगर मान लो ये क्यूब है, आपको पता होगा क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, कैसे, 4 वॉल्स होते हैं। आप एक क्यूब को एक रूम के साथ कंपेयर करेंगे तो 2 वॉल्स ऐसे वाले, एक आपकी ओर एक मेरी ओर, 4 ऐसे वॉल होंगे ना, एक छत होती है और एक फ्लोर होता है, तो टोटल एक क्यूब में आपके 6 फेसेस होते हैं, 1, 2, 1, 2, एक पीछे है 3, एक 4, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। तो अगर इन फेसेस में भी है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, पीछे वाले फेस में भी है, आगे वाले फेस में भी है,
यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आप देख सकते हैं टोटल छः, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसिस पे भी हैं, कॉर्नर पे तो है ही, साथ में 6 फेसिस पे भी हैं, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं फेस सेंटर, ठीक है। और अगर आप देख लेते हैं इसका जुड़नी की इसी का समझे, किसी और का भी समझ सकते हैं, मान लो रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल पता है ना ये वाला, इसी में नॉन प्रिमेटिव है, तो रोम्बोहेड्रल में थोड़ा सा साइड है बराबर नहीं होती, अनइक्वल होती, साइडों की डिस्टेंस थोड़ा सा अलग अलग होती है, अगर ये रोम्बोहेड्रल में कॉर्नर पे ही कॉर्नर पे होते रोम्बिक में, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होते तो सिर्फ कॉर्नर वाले केस में आप इसको प्रिमेटिव बोल देते। अब कॉर्नर के साथ साथ मान लो आपने कहा कि बॉडी के सेंटर में है, यहां पर भी है, तो ये बॉडी सेंटर हो गया, मैंने बोला बॉडी के सेंटर में नहीं फेस में है, तो फेस कितने होंगे, इसमें भी 6 होंगे। लेकिन एक लास्ट कैटेगरी है कि मान लो दो अपोजिट फेस में है, तो अगर एक छत में है एक ऊपर है तो एक यहां होगा नीचे, तो जब टू अपोजिट फेसेस में होता है कभी पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पर तो है प्लस टू अपोजिट फेसेस पे होता है, कॉर्नर के साथ साथ टू अपोजिट फेसेस पे होता है, तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं एंड सेंटर, ई एन डी एंड सेंटर। तो अगर आप एंड सेंटर का कभी नाम सुनेंगे तो एंड सेंटर के केस में जो पार्टिकल है, जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो कॉर्नर के साथ दो अपोजिट फेसेस में भी होता है। तो सिंपल सा यूनिट सेल दो टाइप के, प्रिमेटिव एंड नॉन प्रिमेटिव, प्रिमेटिव में सिर्फ कॉर्नर में, नॉन प्रिमेटिव में कहीं और भी हो सकता है, कहीं और में भी आपके पास तीन ऑप्शन है, अगर बॉडी के अंदर हुआ जो भी सिमेट्री है उसके अंदर हुआ तो बॉडी सेंटर है, उसके वॉल्स पे हुआ तो वॉल्स वाले केस में आपका फेस सेंटर हुआ, और टू अपोजिट फेसेस में है तो आपका एंड सेंटर। समझ में आ गया, तो टोटल तीन टाइप के नॉन प्रिमेटिव और एक टाइप का प्रिमेटिव यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चन करें, आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। और एक लास्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं ब्राविस लैटिस, वो क्या है ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि आज तक टोटल 7 टाइप्स के आपके लैटिस देखने को मिले, 7 टाइप में कौन कौन से, क्यूबिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, टोटल 7 टाइप के वो हैं आपके लैटिस हैं, 7 टाइप के शेप हैं, उन शेप्स के यूनिट सेल होंगे, कुछ प्रिमेटिव होंगे कुछ नॉन प्रिमेटिव, तो टोटल एक्सपेरिमेंटली 14 टाइप के यूनिट सेल देखने को मिले हैं, उनको बोलते हैं ब्राविस लैटिस, ठीक है। तो ये ब्राविस लैटिस क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी तक तुम्हारे सामने कितने बना दिए हैं, ये 4 बना दिए, प्रिमेटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। एंड सेंटर मैंने किसका बनाया है, ऑर्थोरोम्बिक का, ठीक है। ऐसे ही आपके टोटल 14 होते हैं, उसको ब्राविस लैटिस बोलते हैं, इसको पढ़िएगा, कोशिश करना। अगले वाले में हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना निकालें, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी के लिए। और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके आप इसको शेयर करें, और भी आप सब्जेक्ट उसमें पढ़ सकते हैं, फिजिक्स आपको पवन सर पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स आपको कविन सर पढ़ा रहे हैं, आप चाहें तो उन एक्स्ट्रा क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए पढ़ सकते हैं, मैथ्स के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है।